नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ। जो आपको बता दें कि सीएम धामी दो दिन के उत्तरकाशी दौरे पर है, जहां सीएम धामी छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। सीमांत गाँव का विकास कैसे हो पर संवाद किया जाएगा, साथ ही पीडब्ल्यूडी के नए भवन का निरीक्षण भी करने वाले हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठक में भी सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून में व्यापारी सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। तो उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे, दो दिन का दौरा रहेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इस दौरान वो छात्र छात्राओं से संवाद करते तो नजर ही आएंगे और साथ ही कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें पहुंचेगी और साथ ही निरीक्षण भी किया जाएगा, जहां पीडब्ल्यूडी के नए भवन का निरीक्षण करते भी पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, आज देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय उत्तरकाशी के दौरे पर है, तमाम कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब मुख्यमंत्री किसी भी जनपद के प्रवास पर जाते हैं, दौरे पर जाते हैं, तो जो जनपद स्तरीय जो अधिकारी होते हैं पहले से ही मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल मुख्यमंत्री का जिस जनपद का है, वो उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। सुरक्षा के इंतजाम हों या कार्यक्रमों को सफल आयोजन की व्यवस्थाएं हो, और जो बैठकें होती हैं जिला स्तर के अधिकारियों की, उन बैठकों का क्या स्वरूप होगा, कहां पर बैठक होंगी और क्या मुख्यमंत्री अपडेट्स ले सकते हैं, ये तमाम पहलू हैं जिन पर जो अधिकारी हैं वो पहले से तैयारी करते हैं। सभी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में है और दो दिवसीय दौरे पर है, लिहाजा मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और मुख्य रूप से जो सरकार का एक संकल्प है कि सरकार जनता के द्वारा के तहत जो मुख्यमंत्री हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जनपद मुख्यालयों में पहुंच रहे हैं और जो जन समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, और इसी के क्रम में हम इसको देख सकते हैं कि संवाद कार्यक्रम सरकार के मुखिया आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग तबके के अलग अलग लोग, चाहे वो छात्र छात्राएं हों या समाज के अन्य वर्ग के लोग हों, उनसे संवाद किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जी सोनू, अगर देखा जाए तो हाल ही में लगातार ओलावृष्टि की वजह से फसल भी कई सारी खराब हुई थी, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गांव में अक्सर जो किसान है वो काफी परेशान रहते हैं। क्या उस समस्या का निराकरण किया जाएगा और साथ ही इसका लक्ष्य क्या है, सीमांत गाँव का विकास कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा सकते हैं? देखिए, जब मुख्यमंत्री राजधानी में होते हैं, सचिवालय में होते हैं, विभागीय अधिकारियों की बैठक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी अधिकारियों को जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर पर दिए जाते हैं उनको गंभीरता से उनका अनुपालन किया जाए, ये हिदायत भी दी जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब स्वयं हम कहें कि ग्राउंड जीरो पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच में जो है वो संदेश देने का भी कोशिश कर रहे हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनसे फीडबैक भी सरकार की तमाम योजनाओं का ले रहे हैं कि किस तरह से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में और मुख्यमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आदर्श गाँव की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, कैसे हम गाँव का विकास कर सकते हैं, और ग्रामीण जो क्षेत्र है, खासतौर से सीमावर्ती जो क्षेत्र, सीमांत क्षेत्रों पर जो स्थित गाँव है, उनकी कायाकल्प कैसे की जा सकती है, केंद्र और राज्य सरकार कैसे यहाँ के ग्रामीणों की आजीविका में सुधार कर सकती है और महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। जिस तरह से बेमौसमी बारिश हुई है, बारिश के दौरान तमाम फसलें जो हैं वो कहीं ना कहीं हम कहें कि चौपट हो गई है, भारी नुकसान हुआ है, कृषि विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इसका आंकलन करवा रहे हैं, रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं और इसके लिए किस तरह से मुआवजा किसानों को दिया जाएगा और जो बीमा फसलों का किया जाता है उसके तहत इस कार्रवाई को कैसे तेजी से बढ़ाया जाएगा, जाहिर सी बात है इस पर भी मुख्यमंत्री अपडेट लेने वाले हैं। और जो और समाज के ग्रामीण क्षेत्रों के और अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी यानी वकील हों, या इसके अलावा व्यापारी हों, या छात्र छात्राएं हों, या जो जिनको ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश लगातार सरकार करती रहती है, महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है, इन समूहों के माध्यम से कैसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मुख्यमंत्री फोकस करने वाले हैं।
संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं संवाद कर रहे हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी के जो जनपद स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी संवाद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, ग्रामीण लोग हों, महिलाएं हों, छात्र हों, ये तमाम समाज के अलग अलग तबके के अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं इनसे मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे और उससे जो सुझाव इन सभी लोगों से सरकार को इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश सरकार के स्तर पर आने वाले समय में की जाएगी। जी सोनू, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महिला कहीं ना कहीं अपने घर तक ही सीमित रह जाती है। एक रोजगार की बात कही जाती है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। क्या इसके लिए प्रयास किया जा सकता है, क्या प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा सकता है कि वो घर पर बैठे भी रोजगार कर सकती है? इसके अलावा अगर छात्रों की बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था उतनी अच्छे तरीके से नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं जो कि शिक्षा से वंचित रहते हैं, अपनी उच्चतरी पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो स्वयं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं, तो इसके मद्देनजर ये कार्यक्रम काफी खास हो जाता है। देखिए अनुपमा, वाकई ये कार्यक्रम खास कई मायनों में है और ये आपका जो सवाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के उत्थान की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प की बात कर रहे हैं, सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण सीमा के जो क्षेत्र हैं हम वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की, खास तौर पर महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और जो महिलाएं वो कैसे स्वावलंबी बने और कैसे उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए सरकार अलग अलग जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको फंडिंग की व्यवस्था भी पहले से ही किए हुए है और कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है, इसके लिए जो महिला सशक्तिकरण विभाग है उसके स्तर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है, चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीणों के बीच में है तो लिहाजा ऐसे में जो स्वरोजगार है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और महिलाओं को ऋण मुक्त जो है वो कैसे ब्याज बैंकों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और छात्रों का, क्योंकि आपने छात्रों का जिक्र किया, छात्रों को का भी एक अहम रोल इस संवाद में निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि छात्रों को हम प्रदेश का भविष्य मान रहे हैं और ऐसे में जब छात्रों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे तो छात्रों की जिज्ञासा कहीं ना कहीं वो पब्लिक डोमेन में आएंगे और जब छात्रों के सुझाव और छात्रों के सवाल सरकार के मुखिया से ही होंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सरकार के मुखिया का फोकस होने वाला है, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जो हालात इस वक्त शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों में, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे सरकारी जो स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, हालांकि छात्रवृत्ति की दिए जाने की बात तो बार बार सरकार के स्तर से की जा रही है और राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, तो लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान होगा तो उत्तराखंड आदर्श और उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास का जो सपना सरकार का है वो साकार होगा। जी बिल्कुल, और संकल्प से लेकर कायाकल्प तक अब राज्य सरकार ये प्रयास करेगी कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास किया जा सके। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम धामी उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर है, इस दौरान वो छात्र छात्राओं से मुलाकात तो करते नजर आएंगे लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए इसका प्रयास करते भी मुख्यमंत्री धामी नजर आने वाले हैं।